आइए अब हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर के अंदर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विद्यालय विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी असिस्टेंट की एक छोटी सी वैकेंसी आई है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो भी विद्यार्थी जिन्होंने सपना देखा है लाइब्रेरियन बनने का, वो लोग भी इस जो है वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और ये वैकेंसी के बारे में हम पूरी जानकारी पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वैकेंसी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट उदयपुर। राजस्थान के अंदर एक छोटा सा शहर है जहां पर एक यूनिवर्सिटी है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी। वहां पर उस यूनिवर्सिटी ने 3 फरवरी 2023 को एक विज्ञापन जारी किया था। उस विज्ञापन के अंदर एक लाइब्रेरी सहायक जो पोस्ट होती है, इन पोस्ट पर इन्होंने जो है एक वैकेंसी जारी की है। ठीक है ना भाई। और इन्होंने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि उन्होंने 14 मार्च जो बताई है, और ऑनलाइन शुरू कब होगा, 9 फरवरी से। ध्यान रखना, ऑनलाइन जो फॉर्म है 9 फरवरी से शुरू होगा और लास्ट डेट 14 मार्च है। और इस वेबसाइट पर आपको क्या करना भाई, आवेदन करना पड़ेगा। आइए इस वैकेंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस की सॉरी लाइब्रेरी सहायक, लाइब्रेरी सहायक की जो है जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसकी एक छोटी सी वैकेंसी आई है जिसके अंदर 3 पोस्ट है। जिसके अंदर ध्यान रखना, जनरल में सिर्फ महिला की पोस्ट है और उसके बाद ओबीसी की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है ना भाई। जनरल में सिर्फ पोस्ट किसकी है भाई, जनरल में सिर्फ महिला की पोस्ट है, यहाँ पर ये महिला ही भर सकती है। फिर एससी के अंदर ध्यान रखना, एससी के अंदर ध्यान रखना जो है कोई भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखना सामान्य की है। एसटी के अंदर भी ध्यान रखना आपके जो है महिला की पोस्ट आई है। तो कहने का मतलब है दो कैटेगरी है, एक तो जनरल, जनरल में सिर्फ फीमेल ही भर सकती है फॉर्म, और उसके बाद जो है एसटी, एसटी के अंदर भी फीमेल ही फॉर्म भर सकती है, लेकिन एससी के अंदर कोई भी भर सकते हैं। एससी के अंदर एक पोस्ट आई है जो बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है ना भाई, मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। तो टोटल 3 पोस्ट है, जनरल में एक पोस्ट भरनी है, एक पोस्ट आई है वो सिर्फ फीमेल भर सकती है, और एसटी में एक पोस्ट आई है वो सिर्फ फीमेल भर सकती है, लेकिन एससी कैटेगरी के अंदर जो एक पोस्ट आई है मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। लेकिन एमबीसी में कोई भी जो है, एमबीसी में ध्यान रखना है, इसके अंदर एमबीसी के अंदर कोई वैकेंसी, एमबीसी की कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूसी की कोई पोस्ट नहीं है, और उसके अलावा ध्यान रखना इन्होंने आरक्षण भी दे रखा है। तो टोटल 3 पोस्ट है, जनरल में महिला भर सकती है, जनरल की एक पोस्ट है वो फीमेल ही भर सकती है, एसटी में भी एक पोस्ट है वो फीमेल भर सकती है, लेकिन एससी शेड्यूल कास्ट में दोनों भर सकते हैं, एक पोस्ट है। तो टोटल 3 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक है। और लाइब्रेरी सहायक जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट, इसके अंदर इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है बीए, साइंस वाला आर्ट्स वाला बीए, साइंस वाला बीएससी, और कॉमर्स वाला जो है बीकॉम कह सकते हैं, बीकॉम और बीटेक वगैरह जो भी किया हुआ है। ग्रेजुएशन के साथ बीएलएस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है भाई दोस्तों, बीएलएस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बीएलएस तो क्वालिफिकेशन तो है लेकिन नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग, इसको ध्यान रखना है, कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसकी क्वालिफिकेशन है बीएलएस प्लस कंप्यूटर टाइपिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखना बीएलएस प्लस कंप्यूटर टाइपिंग, ये दोनों कंपलसरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, ये दोनों आपकी क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद जो है इसका पे ग्रेड जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट का पे ग्रेड है L8 है। ध्यान रखना L8 है, तो L8 कितना होता है, 2800 पे ग्रेड होता है। कितना होता है, 2800 पे ग्रेड होता है, ध्यान रखना L8 जो होता है 2800 पे ग्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो पे जो है L8 है आपका जो पे ग्रेड होगा, जो सैलरी वगैरह मिलेगी आपको। और अंतिम तिथि आपके ध्यान रखना है 24 मार्च है। कितनी है भाई, 24 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। 9 फरवरी से फॉर्म ओपन होंगे, ध्यान रखना 9 फरवरी 2023 से फॉर्म ओपन होंगे, और 24 मार्च तक क्या होगी भाई, ये लास्ट होगी। क्या होगी दोस्तों, ये लास्ट होगी, ध्यान रखना। ठीक है, 14 मार्च। तो देखो 9 फरवरी से तो फॉर्म ओपन होंगे, ध्यान रखना क्या होगा, 9 फरवरी से फॉर्म ओपन होंगे, और 14 मार्च से ध्यान रखना है फॉर्म क्या हो जाएंगे भाई, क्लोज हो जाएंगे। ध्यान रखना क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे 14
मार्च याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लिखित परीक्षा जो है इसमें ध्यान रखना आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा। क्या होगा दोस्तों, परीक्षा का जो आयोजन होगा वो लिखित लाइब्रेरी सहायक जो है लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है लिखित परीक्षा से एक ही चरण में आयोजित होगा। एक ही चरण में जो है पेपर क्या होगा होगा और इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर होगा और इस वेबसाइट पर आपको सिलेबस इसका मिल जाएगा। लिखित परीक्षा कब होगी इसकी डिटेल जल्द वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी। और जो एग्जाम भी जो है आपके उदयपुर के अंदर ही होगा। एग्जाम कहां पर होगा दोस्तों, उदयपुर के अंदर भी अंदर उदयपुर के अंदर ही होगा, यूनिवर्सिटी के अंदर। और लाइब्रेरी साइज की जो फीस है सामान्य के लिए 1200 रुपए है और बाकी सबके लिए कितने है भाई, 600 रुपए है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आवेदन फीस एप्लीकेशन फॉर्म फीस 1200 रुपए और बाकी कैटेगरी के लिए क्या है भाई, 600 रुपए है, ठीक है। तो ये राजस्थान के उदयपुर शहर में एक छोटी सी वैकेंसी आई है महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में। इसकी कंप्लीट डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ध्यान रखना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ध्यान रखना वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बाकी आप टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। इस टेलीग्राम चैनल के अंदर हर एक छोटी वैकेंसी के बारे में आपको बताया जाएगा, अभी इसका सिलेबस कैसा होगा, एग्जाम कब होगा, सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पर बताई जाएगी। तो इस अगर आपको लाइब्रेरी साइंस के बारे में छोटी मोटी अपडेट चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर जो है शेयर कीजिए। एक छोटी सी वैकेंसी है और भी लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी छोटी मोटी वैकेंसी जानने के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सिलेबस वैकेंसी हर छोटी मोटी वैकेंसी के बारे में आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।